हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ये वाली फ़ोटो पोस्ट की थी, जो कि मैंने सोचा क्यों ना उसका बताया जाए मैंने उसको फ़ोटो कैसे एडिट किया। तो ये फ़ोटो बहुत ही फ्लैट सी थी, इसमें कुछ नॉर्मल से कलर थे जो कि वाइट कलर था सिर्फ, और इसको मैंने एक सिनेमेटिक कलर डाला है। तो मैं बताऊँगा मैंने इस फ़ोटो कैसे एडिट किया। तो उस एडिट करने के लिए मैंने लाइट रूम ऐप का यूज़ किया। तो लाइट रूम आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और मैं आपको लिंक भी दे दूँगा इस ऐप का। चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में, एंड यहाँ से मैंने अपने इस फोटो को इंपोर्ट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इसकी लाइट को एडजस्ट करूँगा। इसके लिए हम चलते हैं लाइट्स में, एंड इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे हल्का सा। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देंगे। एंड इतना करने के बाद हम थोड़ी सी इसकी हाईलाइट्स जो हैं कम करेंगे। एंड हाईलाइट्स के बाद हम शैडो को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एंड अपनी वाइटनेस को है थोड़ा सा कम कर देंगे। वाइटनेस थोड़ी सी कम करने के बाद इतनी कम करेंगे 88 या अराउंड 87। एंड इसके बाद हम ब्लैक्स को भी थोड़ा सा कम कर देंगे, जिससे कि हमारी फ़ोटो में हमारे कलर वापस आ जाए थोड़े से। एंड इतना करने के बाद चलते हैं अपने मिक्स टूल में। एंड इसके बाद सबसे पहले हम इसमें टेम्परेचर को सेट करेंगे, तो टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा लेंगे। एंड इतना करने के बाद टिंट को भी थोड़ा सा माइनस की ओर करेंगे। एंड हम थोड़ी सी वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे हल्की सी। एंड इतना करने के बाद हम चलते हैं अपने फिर से एक बार चलेंगे लाइट्स में, एंड चलेंगे कप टूल में, एंड इसकी हम सेटिंग को कर लेंगे पेस्ट। तो आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड इतना करने के बाद इसको हम ठीक करेंगे। पहले चलते हैं यहाँ से मिक्स टूल में, एंड सबसे पहले रेड कलर का हम ह्यू चेंज करेंगे अराउंड 70%। एंड इसकी हम सैचुएशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एंड इसकी हम एंड लगभग ऑरेंज कलर में चलेंगे, ऑरेंज का ह्यू चेंज करेंगे। एंड इसकी सैचुएशन को कम कर देंगे। ये फोटो अभी आपको ऐसा लग रहा है बाद में ठीक हो जाएगा जब मैं इसको फुल एडिट करूँगा। एंड इतना करने के बाद लूमिनस को हल्का सा बढ़ा देंगे, जिससे हमारी स्क्रीन थोड़ी सी ब्राइट हो जाए। एंड इसके बाद चलते हैं येलो कलर में। येलो का हम ह्यू चेंज करेंगे माइनस की ओर, एंड सैचुएशन को बिल्कुल कम। एंड इसके बाद ग्रीन की भी सैचुएशन कम कर देंगे, एंड जितने कलर सबकी सैचुएशन कम कर देंगे। एंड इतना करने के बाद चल देंगे ग्रेडिंग टूल में, एंड सबसे पहले हम इसमें हाईलाइट्स में कलर ऐड करेंगे। इसके लिए मैं पहले इसमें सैचुएशन थोड़ी सी बढ़ा देंगे हल्की सी। एंड इसके बाद हम इसमें कलर ऐड करेंगे जो भी कलर ठीक लगेगा। एंड इतना करने के बाद इसका ब्लेंडिंग जो है 100% कर देंगे। एंड इतना करने के बाद हम चलेंगे मिड टोन में। मिड टोन की पहले सैचुएशन बढ़ा देंगे हल्की सी, एंड फिर इसके लिए कलर ऐड करेंगे। एंड देखिए फोटो सही लग रहा है इसका भी ब्लेंडिंग 100% करने के बाद। शैडो में चलेंगे, शैडो के लिए मैं कलर ऐड करेंगे। सबसे पहले इसकी सैचुएशन बढ़ा देंगे हल्की सी अराउंड 30%। एंड इसके बाद हम इसमें कलर ऐड करेंगे जो कलर भी ठीक लगेगा। एंड देखिए हमारी एडिटिंग, अभी फ़ोटो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। इतना करने के बाद डन करेंगे। एंड यहाँ से चलते हैं हम इफेक्ट में, एंड इसकी इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी ऐड करेंगे। एंड इतना करने के बाद हम चलेंगे
सिलेक्टिव टूल में एंड एक लीनियर ग्रेडिएंट लेंगे जो कि ऊपर से लेंगे इसको हम, एंड इसको हम अपने हेड के पास रखेंगे, इसका एक्सपोजर बढ़ा देंगे हल्का सा, एंड इसका हम डीहेज भी थोड़ा सा कम कर देंगे, एंड टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, एंड थोड़ी सी सैचुएशन बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद डन। एंड एक और हम लीनियर ग्रेडिएंट लेंगे जो कि नीचे से होगा, एंड नीचे का एरिया थोड़ा सा डार्क कर देंगे यहाँ से हम हल्का सा, बिल्कुल एक्सपोजर कम कर देंगे हल्का सा, एंड थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें ऐड कर देंगे। एंड इतना करने के बाद डन करते हैं। तो देखिए हमारी फोटो हमारी एडिट हो चुकी है, देखिए इसका बिफोर एंड आफ्टर। अगर आपको इस फोटो का प्रीसेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।